के सीधा रुख करेंगे मथुरा का, जहां पर भगदड़ के बाद जो परिस्थिति रही है और जिन दो लोगों की जान गई है उससे जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत का ही हम रुख करेंगे, क्योंकि मंगला आरती देखने के वक्त जिस तरीके से भीड़ थम गई थी बांके बिहारी मंदिर में और पीछे से लोगों की एंट्री भी लगातार चलती रही, इसके बाद जो मंजर देखने को मिला इसका खामियाजा दो जिंदगियों ने भुगता है। ऐसे ही दो लोगों में से किसी एक शख्स के परिवार वालों के बीच मौजूद है हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत करेंगे। अनिल, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? कौन है ये परिवार, क्या कहना है उनका? जी मैं आपको बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूं मथुरा के पोस्टमार्टम गृह पर, जहां पर उनका शव लाया गया है। उनकी बेटी मेरे साथ है जो इसमें यहां पर इस हादसे में बांके बिहारी मंदिर पर जो हादसा हुआ है उसमें खत्म हुई है। हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अंजलि जी, बताइए क्या हादसा हुआ था? क्या आप अपने पिताजी के साथ थी? नहीं, मैं तो नहीं थी, पर मेरी मम्मी साथ में थी। इतनी ज्यादा भीड़ थी, मेरे पापा अंदर हो गए और फिर निकलते समय मेरे पापा दबा दिया, मेरे पापा चले गए। कब आए थे वो बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए? 2 बजे करीब मैं भी थी और बहुत भीड़ थी, बहुत इतने सारे लोग बेहोश हुए। उसी समय मुझे लग रहा था कि मेरे पापा। आपके साथ और कौन कौन था? बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ थी। आपके परिजन में और कौन कौन था? मैं अकेली थी और मेरे मम्मी पापा अकेले थे। अच्छा, मम्मी की क्या स्थिति है? मम्मी इस समय कहाँ पर है? मम्मी एडमिट है रामकिशन में। अच्छा। क्या रहा का भीड़ एकदम बड़ी, कैसे घटनाक्रम क्या रहा? बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, 2 बजे बहुत लोग बेहोश हो गए, इतना सफोकेशन, बिल्कुल गर्मी में मेरे पापा को उठा लिया। कहाँ के रहने वाले हैं? जबलपुर के। ये थे उनके परिजन, उनकी बिटिया है, ये जबलपुर के रहने वाले हैं और आपको दिखाएंगे पीछे ये मथुरा का पोस्टमार्टम गृह है जहां पर इनकी अनिल बात कीजिए। उनको कहने दीजिए, ये दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है और शब्द नहीं होते हैं, लेकिन उनको एक बार सब लोग बोल दो क्या घटनाक्रम था, बताएं क्या? मम्मी ने बताया कि ये अंदर तो घुस गए मगर फिर उसके बाद जैसे बाहर निकलने को हुआ तो सीढ़ियों के पास बाहर ही निकले तो इतनी भीड़ हुई कि मेरे पापा दब गए, मेरी मम्मी के ऊपर लोग चढ़ गए, उल्टियां कर दी मेरी मम्मी के ऊपर। सब लोग एक बार बोलो कि मेरे पापा कौन कौन है। जन्माष्टमी थी तो उनका व्रत भी होगा, वो दर्शन करने आए होंगे, मंगल आरती। मेरे पापा ने कुछ नहीं खाया था, मेरे पापा प्रसाद खा के दर्शन करने चले। परिवार में और कौन कौन है आपके? मेरे पापा, मम्मी और मैं हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है, वो शादी है, उसकी शादी हो गई है। उन्हें सूचना दी है आपने अपनी बड़ी बहन? दे दी। क्या मानती हैं इसको, इस हादसे के पीछे क्या वजह मानती हैं? उन्हें जो व्यवस्था नहीं थी, अगर व्यवस्था होती तो आज मेरे पापा का ऐसी हालत नहीं होती। वहाँ पर कभी व्यवस्था नहीं होती, कभी नहीं। बहुत ही संवेदनाओं के साथ खाने वाले इस दुखों का पहाड़ जो इस बेटी पे टूटा है, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन जरा बताइए कि कब निकले थे जबलपुर से, क्या सोच कल के निकले थे और ये आप जबलपुर से कब निकले थे? या वृंदावन में रहते थे? जबलपुर से ही वृंदावन में भी मेरा घर है। कितने बजे निकले थे बांके बिहारी के दर्शन करने? करीब पापा तो 12:30 बजे निकल गए थे, तो राधा रमण राधा वल्लभ के दर्शन करे उन्होंने। उसके बाद 2 बजे जैसे हम लोग वहाँ गए तो हम लोगों ने देखा कि बहुत भीड़ थी, तो मैं तुरंत पापा को फोन लगा, मैं पापा घर में फोन छोड़ के गए थे। हम लोग रात भर ढूंढा, फिर पता चला कि पुलिस वाले ने बताया कि पापा एडमिट है। तो हमारे पापा नहीं रहे। ये सूचना आपको किसने दी कि आपके पिताजी के ऐसे? पुलिस वालों ने दी, मेरे पापा मोबाइल लेके नहीं गए थे, पुलिस वालों ने दी। मेरे पापा, सब लोग बोलो एक बार मेरे पापा को वापस कर दो, कोई नहीं है मेरा, हम अकेले मेरी मम्मी के अलावा। मम्मी की कैसी हालत है? सर अब नहीं बोल पाऊंगी मैं, नहीं बोल पाएंगे। मम्मी की कैसी स्थिति है आपकी? मम्मी की थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं है, डॉक्टर ने बोला है कि उनको संभाल के रखो वरना फिर उनको रेफर करना पड़ेगा, इसलिए उनको संभाला है थोड़ा सा, कोई नहीं है वहाँ में। क्या मम्मी को पता चली है कि ऐसे ऐसे उनके हस्बैंड? हाँ, मम्मी को थोड़ा बहुत है, मगर हम लोगों ने समझाया है उनको, हम लोगों ने उन्हें पता चली है कि उनके हस्बैंड, उनको समझाया है हम लोगों ने। ये थी हमारे साथ मैम, आप देख रहे थे कि किस तरह से ये बोलने में भी अपनी संवेदनशील है ये पूरा मामला, और इस बेटी की हालत नहीं कोई समझ सकता है, क्योंकि एक एक जन्माष्टमी की रात के बाद जो अगली सुबह इस बेटी के लिए है वो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। इसने तो बहुत हिम्मत दिखाई कि इतनी सारी बातें कह दी हैं कैमरा पर, क्योंकि
ये कहना इसलिए भी जरूरी है, बहुत सारे लोग जाते हैं जन्माष्टमी का व्रत रख करके, लेकिन इस बेटी के साथ जो हुआ वाकई दुखद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।